नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस का शेयर आज इतनी तेजी देखने क्यों मिला, क्या रीजन था कि रिलायंस में 6% तक का तेजी आज हमें देखने मिला। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके रीजंस को। देखिए, रिलायंस में जो सबसे पहला रीजंस है, रिलायंस का जो रिजल्ट है वो काफी सॉलिड, काफी बेहतरीन आया है इस क्वार्टर का। देखिए 16,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वही 13,227 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का, मार्च क्वार्टर का। और यहाँ पर देखिए पिछले साल मार्च क्वार्टर में मात्र कितना था, 6,343 करोड़, तो लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो प्रॉफिट पे लगातार जंप देखने मिला है। रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी ग्रोथ देखने मिला और इसके रिटेल बिजनेस में काफी ज्यादा मतलब यहाँ पर सुधार देखने मिला है, जिसके कारण आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट में जंप देखने मिला है। तो यहाँ पर जो पेट्रोकेमिकल है उसमें भी माना जा रहा है आगे काफी अच्छे मार्जिन मिलेंगे रिलायंस को, जिसके कारण प्रॉफिट में और ज्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा। तो ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होता है, जो फ्यूचर दिखता है कि फ्यूचर में कंपनी काफी अच्छा अर्निंग करने वाला है, जिसके कारण रिलायंस के शेयर में तेजी देखने मिला है। और भी कई सारे कारण जानेंगे, टेक्निकल काउज क्या है, मतलब टेक्निकल चार्ट पर हम कैसे पता करते हैं कि यहाँ पर रिलायंस पे मोमेंटम आ सकता है। बस इसको फंडामेंटल्स जो काउज है वो एक सपोर्ट दे देता है टेक्निकल एनालिसिस को, जिसके कारण आपको तेजी देखने मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पे आए हैं, टेक्निकल चार्ट पे आपको दिखेगा कि रिलायंस जो है, यहाँ पर देखिए हम चार्ट को ड्रॉ करते हैं, इधर पर हम चार्ट पर देखते हैं तो पहले से ये स्टॉक ऐसे देखिए यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो आया, फिर यहाँ पर देखिए ये हाई बनाता है, फिर यहाँ पर एक लो बनाया और फिर ये देखिए हाई की तरफ जा रहा है। तो देखिए कितना अच्छा पैटर्न है। इस तरह से आप रिलायंस में अगर देखें टेक्निकल चार्ट पे, हमें पता है कि ये इसका सपोर्ट रीजन है। ये जो रीजन है देखिए 1850 से लेकर के 1900 रुपये तक का, ये रीजन जो है सपोर्ट रीजन है। यहाँ से आता है रिलायंस, काफ़ी बार बाउंस बैक कर रहा है, आता है फिर से बाउंस बैक। और यहाँ पर हमें आज उतनी उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा मोमेंटम देखने मिलेगा, क्योंकि ये 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था और ये 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर गया था। तो यहाँ से हमें देखने मिला कि थोड़ा बहुत तेजी तो देखने मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं थी, जिसका कारण क्या है, फंडामेंटल सपोर्ट। कंपनी का जो प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा जंप हुआ है, रिटेल कारोबार काफ़ी बेहतर किया है, इसके कारण ये 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए आज 6% तक का तेजी देखने मिला रिलायंस में। तो ये आपने टेक्निकल चार्ट डेली चार्ट पर देखा, अगर वीकली चार्ट पर देखिएगा ज़्यादा सॉलिड दिखेगा। देखिए ये सपोर्ट रीजन है, यहाँ से लेकर की जो सपोर्ट होता है एक रीजन होता है, इस रीजन में मतलब 1830 रुपया से लेकर यहाँ पर देख रहे हैं 1900 रुपया तक, इस रीजन में आता है रिलायंस, तुरंत बाउंस बैक कर जाता है और ये ट्रेंड लाइन है। अब देखिए इस ये ट्रेंड लाइन को अगर देखिएगा तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से फिर आपको जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा। यहाँ पर ब्रोकर्स के रेटिंग भी दिखाएंगे, ऐसे ब्रोकर रेटिंग कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, ब्रोकर टारगेट दे दिया है 2580 रुपये का, तो अचीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो देखिए वो तो मार्केट ही बताएगा। अब यहाँ से ये मान लीजिए इस पैटर्न को ये ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको यहाँ इजली जो है सबसे पहले तो ये 2350 रुपये तक यहाँ से जा सकता है, और फिर आपको आने वाले समय में 2500 रुपये भी आसानी से देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि क्या बाय कर लेता हूँ, देखिए बाय करने के लिए हम हमेशा आपको बताएं कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं जो मार्केट को लीड करते हैं, वो स्टॉक जब भी गिरावट में मिले आपको सपोर्ट के पास, आप उसमें बाय कर सकते हैं। सपोर्ट पे आया, जैसे ये रिवर्सल दिखाया, देखिए यहाँ पाया, यहाँ से रिवर्सल दिखाने लगा, यहाँ पाइए देखिए फिर से ये रिवर्सल, ये नीचे विक्स बन रहा है, वीकली चार्ट पे आपको विक्स दिख रहा है, मतलब ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे यहाँ पर आप डेली चार्ट पर, जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया तो आप डेली चार्ट पे चले जाइए, देखिए जैसे डेली चार्ट पे आए तो यहाँ देखिए ये सपोर्ट लिया, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर जैसे ये लगातार सपोर्ट ले रहा है, ये लगातार देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये सस्टेन कर गया, जैसे ये कल ग्रीन कैंडल बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। अब देखिए लॉन्ग टर्म में देखे थे इस स्टॉक को ऊपर ही जाना है, यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगा जो निफ्टी 50 के स्टॉक है, या यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आप तय कर सकते हैं, आपने यहाँ पर बाय किया, यहाँ से आप 2% का लॉस ले सकते हैं, या यहाँ पर ये आपका जो 1820 रुपया है ये स्टॉप लॉस हो गया, आपने यहाँ पर बाय किया 1900 रुपये पे, 1820 रुपये आपका स्टॉप लॉस हो गया, वहीं 80 रुपये का रिस्क है, तो यहाँ पर आपको देखिए रिवार्ड कितना ज़्यादा है, आपको यहाँ से
आ सकता है, ये 2200 के ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 300 रुपये तक का रिवार्ड है, तो 1:2 से भी ज़्यादा है, 1:3 के अप्रॉक्स है। और अगर यहाँ पर ये लगातार मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट देते चला गया तो आपको 2500 तक का टारगेट मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क और रिवार्ड है। जैसे आप ये स्टॉक ऊपर आ गया, अपना स्टॉप लॉस जो है अपने कॉस्ट पे आप ला सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ये जबरदस्त रैली किया है। और यहाँ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़बरदस्त आया है। तो ये वॉल्यूम कल ही बता दिया था कि ये स्टॉक जो है काफ़ी वॉल्यूम आ रहा है, तो ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। कल का ही वॉल्यूम देखिए, जो मूविंग एवरेज वॉल्यूम का, उससे जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा आया था यहाँ पर वॉल्यूम। अब हमें देखना है कि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो इसमें टारगेट होगा वो पहला 2350 रुपये का होगा। अगर 2350 के ऊपर सस्टेन करता है, पहले तो इसको कल यहाँ पर ब्रेकआउट देना होगा। अगर ब्रेकआउट देता है इस ट्रायंगुलर पैटर्न को, फिर हमारा टारगेट होगा इसमें 2350 रुपये का। उसके बाद ऊपर निकलता है तो 2500 का। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे न्यूज में, तो ये NDTV का न्यूज पेज है, इट्स रिटेल आर्म, रिलायंस का जो रिटेल आर्म है, यहाँ पर देखिए जम्प 23% प्रॉफिट, 23% प्रॉफिट में जम्प हुआ। और ये प्रॉफिट हो चुका है कितना, 2247 करोड़ का। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जंप देखने मिला है, जबकि यहाँ पर मात्र 826 स्टोर ही यहाँ पर रन कर रहा था, जबकि कुल कंपनी के पास ऑपरेशन फिजिकल स्टोर कितना है, 12,711 स्टोर्स है, जिसमें मात्र 826 स्टोर ही रन कर रहा था। तो आप समझ जाइए कितना मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है कि रिलायंस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, जिसके कारण इतनी तेज़ी देखने मिला है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करने का रेटिंग दिया है कि रिलायंस काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, तो इसलिए आप इसमें चाहें तो जब भी करेक्शन आए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है इसका रिलायंस का जो रिटेल आर्म है और पेट्रोकेमिकल आर्म है, दोनों काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखिए ऑयल एंड केमिकल गेन प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड, यहाँ पर देख लीजिए इस फाइनेंशियल में रिकॉर्ड जो है 53,739 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि ग्रोथ कितना का है, 34.8% का। जबकि इस साल लॉकडाउन भी रहा, उसके बाद ऑयल टू टेलीकॉम ये जो प्रॉफिट में जंप हुआ है इतना परसेंट का हुआ है। अगर लॉकडाउन हटता है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है, तो और ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा। तो जो फ्यूचर को देख रहा है कि हमारा जो आगे आने वाला समय दिख रहा है कि रिलायंस काफ़ी अच्छा करने वाला है अपने बिजनेस में, इसी कारण आपको इसके शेयर प्राइस में काफ़ी तेजी देखने मिला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।